नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं कस्बा बार में। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और इन लोगों की राय जानते हैं कि आखिर आने वाले आगामी चुनाव में ये लोग कौन सी तरफ अपना मत डालेंगे और किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। क्या नाम है चाचा जी? देव प्रकाश चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी जी, 2022 का जो चुनाव है इसमें आपको उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी हावी दिखाई दे रही है, आगे की तरफ दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश में तो हमें भाजपा हावी दिखाई दे रही है जी। तो सदर विधानसभा ललितपुर में कौन हावी दिखाई दे रहा है? सदर विधानसभा में रामरतन कुशवाहा। तो भारतीय जनता पार्टी से आप संतुष्ट हैं? बीते 5 साल के कार्यकाल में 17 से 22 के मध्य में आपको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? हमें योजना को कोई लाभ नहीं मिले जी, लेकिन हम भाजपा से संतुष्ट हैं। तो क्यों संतुष्ट हैं? इसलिए संतुष्ट हैं कि उसकी कार्यशैली सही है। क्या कार्यशैली सही है? कार्यशैली ये सही है कि जिसको जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। विधायक जी से ज़रूर नाराज़ हैं, वो आज तक आए भी नहीं हैं क्षेत्र में। लेकिन सदर विधानसभा से वही द्वारा उम्मीदवार हैं क्योंकि वो पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी ने टिकट दिया इसलिए उनको वोट देंगे। हम पार्टी को वोट दे रहे हैं ना कि विधायक जी को। लेकिन आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि फ़ायदा मिली, हो सकता है आपको कोई फ़ायदा ना मिली हो, आप राष्ट्रीयता के उसमें जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि किसानों के साथ जो घटनाएँ घटी, मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी और भी तमाम ऐसे केसेस हुए, तो क्या इन क्षेत्र के किसानों से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये सब फर्जी बातें आए, अगर उनने करे हुए सो इनने मंत्री के लड़का ने चढ़ा दी गाड़ी। तो वही तो पूछ रहे कि मंत्री के लड़का उनने अटैक करे हुए जी, तो इनने कर दी। और फिर मंत्री को लड़का तो बंद कर दो, मंत्री को काय कौन लगे सब जने कहे कि मंत्री को हटाओ, अपराध जी ने करे सो गए सजा मिले जी, तो लड़का को बंद कर दो। तो चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह जी, 2022 का जो चुनाव है इसमें आपका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है? सपा। तो ऐसा क्यों कि समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे काम होते हैं, रोड बनाओ, काम अच्छे करत, किसान नन के हित में काम है, कौन कौन से काम नहीं है उनके, सबसे अच्छे काम है। एक तरफ 12 से 17 के मध्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो लगातार गुंडई का आरोप लगातार लगता रहा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो लगातार 12 से 17 के मध्य में सरकार रही, विपक्षी पार्टियां लगातार कहती रहीं कि गुंडई हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये गुंडई हमारे क्षेत्र में गुंडई नहीं, भाई गुंडई नहीं है हमारे यहाँ साढ़ छूटे, योगी जी ने पूरा जो है इको गौशाला को पूरा पैसा खा गए भी छूटे हैं, और जो है ना हमारे तक कोनो काम करवा है, और किसान नन के बारे में उनने कोनो कछु सोची नहीं है। तो 2022 का जो आने वाला चुनाव है इसमें आप समाजवादी पार्टी की तरफ मतदान करेंगे, तो क्या आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है? 300 पार, मतलब 300 सीटें समाजवादी पार्टी यूपी में लाने जा रही है? पक्के में। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है? अमन बरसिंह। तो अमन जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो ऐसा क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राम मंदिर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था अभी तक का, राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, और किसान सम्मान निधि, ऐसी कई विकास की योजनाएं लाई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सरकार बनाने जा रही है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? हमारिंदर सिंह। तो राजपूत जी, वोट 2022 का जो चुनाव है इसमें आप किस तरफ करेंगे? भाजपा से। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों, आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों मत देंगे? सब अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा कार्य किया? कोई गुंडागिरी नहीं है, कोई वो नहीं चल रहा, चाहे यहाँ फिरत रहो रात दिन, बहु बिटिया आदमी, कोई वो नहीं हो रहा है। तो कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, और कानून व्यवस्था से संतुष्ट होकर आप 2022 में योगी जी को वोट करेंगे? हाँ। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है जी? शिवम वंशकारन हमारा नाम।
तो शिवम वंशकार जी, 2022 का चुनाव है, आप किस तरफ अपने चाहेंगे, कौन सी पार्टी आगे की तरफ आपको सदर विधानसभा ललितपुर में निकलती हुई दिखाई दे रही है? जी, हमारे यहाँ क्षेत्र से तो भारतीय जनता पार्टी ही निकलती दिखाई दे रही है, पर थोड़ा रोजगार पर ध्यान दें, युवाओं के लिए रोजगार नहीं दे रही सरकार, रोजगार पर ध्यान दें तो पूर्व। तो बीते 5 साल जो निकल गए, इसमें क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अब ध्यान तो दिया गया है इन पे, दिया कई वजह से परीक्षाएं हुई हैं तो उन पे अब जो भी हुआ हो, लेकिन कई जो परीक्षाएं हुई हैं तो उनमें जो मतलब पेपर रद्द हो गए हैं, तो सरकार इस पे ध्यान दे, रोजगार युवाओं को ध्यान दे, मतलब रोजगार पे ध्यान दे तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी सरकार की। चलिए, रोजगार पर ध्यान दे, और भी हमारे साथ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। भैया यहाँ आइए, क्या नाम है भैया? जयपाल यादव। तो जयपाल जी, 2022 में आप कौन सी तरफ, किस पार्टी को वोट करेंगे? किस पार्टी? साइकिल को समर्थन करेंगे। तो ऐसा क्यों कि आप साइकिल को समर्थन करेंगे? 2017 से 22 के मध्य में ऐसे क्या कार्य हुए या नहीं हुए, उस बारे में जानकारी? बहुत बड़ी आपत्ति पड़ी मुझ पर। क्या आपत्ति पड़ी? अरे, मैंने परंपरे घर का गेहूँ बेचा, मैं जेल चला गया, दुनिया का कानून कार्रवाई करवा दी गई। चलिए, कानूनी कार्यवाही आप पर हुई, मतलब गलत कार्यवाही लोगों ने हुआ मेरे साथ, ये आपके साथ गलत हुआ। तो 2022 का जो चुनाव है, जो अभी कल मतदान होना है पूरे उत्तर प्रदेश में, चुनाव प्रचार कल थम गया था, तो अब आप समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो आपको समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है? दे रही है। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लाने जा रही है? 300 पार कर जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने राय ली, और आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे के कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।